इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और वीडियो क्लियर से ली गई है। कृपया कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कुछ मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स माय टीम एमडी मेडिटिव। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स, एमडी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे लिग्नोकेन इंजेक्शन तथा हम लोग जिसको लिडोकेन इंजेक्शन भी बोलते हैं उस इंजेक्शन के बारे में। हम लोग जानते ही है लिग्नोकेन इंजेक्शन कुछ जगहों को लोकल एनास्थेसिस करने के लिए यानी सूंड करने के लिए यूजेस लिया जाता है। उसके बाद भी क्या यूजेस हो सकता है, डॉक्टर द्वारा क्या यूजेस लिया जा सकता है, आज उसके बारे में जानेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, साथ में जानेंगे उसके डोज क्या हो सकता है, उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसको लेने के बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, किस किस पेशेंट को इसको यूज नहीं किया जा सकता है, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्नर एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ जाए। लिग्नोकेन जेली जो हम लोग जानते ही है एक लोकल एनास्थेटिक है, इसको यूजेस लिया जा सकता है लोकल एनास्थेसिस करने के लिए। लिग्नोकेन जेली ये एक कॉम्पोजिशन नाम है, आपको कुछ ब्रांड नेम में मार्केट में मिलेगा, इसके कॉम्पोजिशन नाम में मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको कुछ ब्रांड नेम में मार्केट में मिलेगा। जैसे कि इसके ब्रांड नेम हो सकता है, पॉपुलर कुछ ब्रांड नेम है लॉक्स इंजेक्शन, जाइलोकेन इंजेक्शन और लिनोक्स इंजेक्शन। इस तीन ब्रांड नेम मैंने जो मुख्यतः ब्रांड नेम था मैंने बताया, और दूसरी प्रकार के भी बहुत सारे ब्रांड नेम हो सकता है जो जगह के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। सबके कंपोजिशन नाम लिग्नोकेन होने से ही होगा, सबका काम एक ही होगा, एक से दूसरे ब्रांड में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ये मार्केट में 0.5%, 1% और 2% के स्टैंड में आते हैं। 0.5% का मतलब है 5 mg पर 1 ml में रहता है, 1% का मतलब है 10 mg पर 1 ml में रहता है, और 2% का मतलब है 20 mg पर 1 ml में रहता है। ऐसे ही स्टैंड में इसके अंदर मिलाया जाता है। ये 2 ml, 5 ml, 20 ml और 30 ml इन सभी पैकेजिंग में आते हैं। ब्रांड नेम और परसेंटेज जानने के बाद अब जान लेंगे इसके यूजेस क्या लिया जाता है डॉक्टर द्वारा। फर्स्ट जो इसका यूज है वो है कुछ जगहों का सूंड करने के लिए, कुछ ऑपरेशन हो रहा हो, छोटे मोटे माइनर सर्जरी हो रहा हो, उससे पहले उस जगहों को सूंड करने के लिए इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। डेंटल ओटी के टाइम इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है, डेंटल ओटी से पहले इस इंजेक्शन को दे के उस जगहों को लोकल एनास्थेसिस किया जाता है। आरसीटी से पहले भी डेंटल डॉक्टर्स इस इंजेक्शन का यूजेस लेते हैं। कहीं पर भी काट हो गया हो, उस पर टाके लग रहे हो या स्टीचेस लग रहे हो, उस टाइम भी इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है। बिफोर टैटू यानी टैटू करने से पहले भी इस इंजेक्शन का यूजेस लिया जा सकता है, उस जगहों को सूंड करने के लिए, उस जगह के लोकल एनास्थेसिस करने के लिए। ये जो यूजेस मैंने बताया वो आप लोग जानते ही है, ये लोकल एनास्थेसिस करने के लिए यूजेस लिया जा सकता है। जो मैं पहले बताया, जो आज मैं बताऊंगा किन किन चीज में यूजेस लिया जा सकता है, आप लोगों में से ज्यादातर लोग नहीं जानते, वो है बिच्छू और माकड़ी काटने से जो दर्द होता है, जो विष फैलता है पूरी जगहों में से, उस विष को रोकने के लिए, उस दर्द को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा उपयोग लिया जा सकता है। यानी लिग्नोकेन जो इंजेक्शन है उसका यूजेस लिया जा सकता है, जिसे बहुत अच्छा फायदा लिया जा सकता है। ये खुद से नहीं यूज कीजिए, ये इंजेक्शन डॉक्टर के सुपरविजन में ही हमेशा दिया जा सकता है, खुद से यूज नहीं किया जा सकता। और सेकंड यूजेस होता है आईसीयू में, जिस व्यक्ति का बहुत ज्यादा हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पल्पिटेशन हो रहा हो, या हार्ट के जो धड़कने हैं बहुत ज्यादा लो हो गया हो, उसको एक जगह में ठीक रखने के लिए, या बहुत ज्यादा फास्ट हो गया हो, उसको बराबर से लाने के लिए डॉक्टर इस इंजेक्शन का यूजेस लेते हैं। ये जो मैंने यूजेस बताया वो सिर्फ आईसीयू में यूजेस लिया जा सकता है डॉक्टर के सुपरविजन में ही। और एनआईसीयू में जो बच्चे 4 महीने के नीचे हो, उनमें जब बहुत ही ज्यादा सीजर्स आ रहे हो, उस सिचुएशन में डॉक्टर इस इंजेक्शन का यूजेस लेता है। ये सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन में ही लिया जा सकता है, खुद से यूजेस ना लीजिएगा। ये सिर्फ एडुकेशनल पर्पस में मैं वीडियो बना रहा हूँ। इन सभी एक्स्ट्रा यूजेस जानने के बाद अब जान लेंगे इसके कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको किन किन पेशेंट को दिया नहीं जा सकता, जो लोगों के हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो यानी हार्ट में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो उनमें दिया नहीं जा सकता, किडनी और लिवर फेलियर की समस्या हो उनमें दिया नहीं जा सकता, इनके कंटेंट से या लोकल एनास्थेसिस के कंटेंट से जो कोई भी एलर्जिक रह चुका हो उनमें दिया नहीं जा सकता, जो लोगों के ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो या थ्रोम्बोसाइटोसिस प्रॉब्लम हो उनमें दिया नहीं जा सकता,
और छोटे बच्चों में तो बिल्कुल भी खुद से ना यूज कीजिए। दोस्तों ये था सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, अब जान लेंगे इसको यूज करने के बाद साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। जिस जगह में आपने यूज किया उस जगह में एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है, बहुत ज्यादा भारीपन लग सकता है, ड्राउजीनेस वीकनेस जैसी प्रॉब्लम हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, ट्रेमर आ सकता है, किसी किसी पेशेंट का स्किन के कलर चेंज हो सकता है, हार्ट रेट लो या फास्ट दोनों ही हो सकता है। जब भी इसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दे आप तुरंत ही डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है। लास्ट में हम लोग जानेंगे इसके डोज और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। इसके डोज जो जगह हमें काट लगी है या जिस जगह में ऑपरेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर द्वारा निर्धारण किया जा सकता है, खुद से नहीं निर्धारण किया जा सकता है। ये एसटी सबक्यूटेनियस और आईवी इंट्रावेनस दोनों रूट में ही दिया जा सकता है, लेकिन आईवी जो यूजेस होता है वो सिर्फ आईसीयू के लिए यूजेस होता है। ये घर पे ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही यूज कीजिए, खुद से लेने से जानलेवा भी साबित हो सकता है, इसीलिए आई भी खुद से मत यूज कीजिए। जो सबक्यूटेनियस है छोटे काटे माइनर ओटी या स्टिचेस लगने के टाइम, इसको पूरी जगहों में जिस जगह में घाव लगे हैं उसके पूरी एरिया में सुन करवाने के लिए यूजेस लिया जा सकता है। पूरे एरिया में सबक्यूटेनियस और मसल्स में दोनों ही थोड़ा करके लगाया जाता है। ज्यादा मात्रा में मत यूज कीजिए, ज्यादा मात्रा में यूज करने पर बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, लिग्नोकेन इंजेक्शन था लिडोकेन इंजेक्शन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो आने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छा रहिए, धन्यवाद।